हाय गाइस, आज हम करेंगे ब्लू स्मोकी आई। सबसे पहले मैंने आंखों के ऊपर फिटमी कंसीलर लगा लिया है जस्ट टू सेट इट अप, एंड मैं ऑलरेडी मॉइस्चराइजर लगा चुकी हूँ। सो आपको पहले अपना बेस प्रिपेयर करना है, फिर हम मेकअप स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से कंसीलर को अप्लाई कर लिया है, थोड़ा सा अंडर आई में भी लगाया है जस्ट फॉर एक्स्ट्रा क्लीनलीनेस। सो मैंने पूरा अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर लेकर उसे अच्छे से डैप डैप करके ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी, थोड़ा टाइम लगेगा आपको ब्लेंड करने में, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, तो आपको ये स्किप नहीं करना है। थोड़ा सा टाइम लें अपना, लेकिन अच्छे से ब्लेंड करें फॉर अ क्लीनर लुक। तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया है एंड जितना भी एक्स्ट्रा कंसीलर था मैंने उसे ब्लेंड कर लिया। अब मैं आई शेडो पैलेट से यहाँ पे एक ऑरेंज शेड लेके अपनी क्रीज एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। उसे आपको ब्लेंड करना है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रश, एंड यहाँ पे भी आपको अपना थोड़ा सा टाइम लेना है। तो ब्लेंडिंग मेरी लगभग हो चुकी है, उसके बाद मैंने सेम ब्रश को नीचे की तरफ भी अप्लाई किया लोअर लैश लाइन पे, जिससे एक अच्छा सा शेड नीचे भी आ जाए। एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्राउन शेड लेकर क्रीज एरिया में अप्लाई कर रही हूँ, उसको ब्लेंड कर रही हूँ ट्रांजिशन शेड के साथ, जिससे जो हमारा इफेक्ट है वो काफ़ी स्मूद आई एंड आई शेडो ज़्यादा पैची ना लगे। तो उसके लिए आपको इसे ब्लेंड करना है यहाँ पर। कीप ब्लेंडिंग जब तक कि वो फिनिश्ड लुक ना आ जाए जो कि आप चाहते हैं, तो डिजायर्ड लुक के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क शेड और यूज़ कर रही हूँ इन द क्रीज, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे क्योंकि ब्लू शेड अप्लाई करने वाले हैं तो हमें क्रीज अच्छे से बना लेनी है जिससे कि अच्छा ग्रेडियंट लुक आ जाए। तो मैंने इसको ब्लेंड कर लिया यहाँ पर दोनों आईज पे। सेम शेड मैं ड्राई में भी अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं ब्लू शेड ले रही हूँ उस क्रिएटिव पैलेट से और उसको मैंने यहाँ पर आंखों पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। टेक योर टाइम यहाँ पर भी, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसेस है, लेकिन अगर आप अच्छे से करेंगे तो बहुत ईजिली आप इसे कर पाओगे, तो थोड़े से पेशेंस के साथ करना। मैंने इसको अप्लाई कर लिया। वैसे तो हमें बाद में फिंगर से अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि उससे कलर पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छी आती है अब, लेकिन अभी मैं ब्रश से सिर्फ यहाँ पर बेस बना रही हूँ ब्लू के लिए। तो मैंने इसे अपने लिड एरिया पर अप्लाई किया, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे हम क्रीज में। और फिर मैं यहाँ पर फिंगर से डैप डैप करके ब्लू कलर के आई शेडो को लगा रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे कलर इंटेंस हो गया है, अब नीचे से क्लीन कर रही हूँ। एक साफ ब्रश लेके बाद में उसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर दिया। इस पर हल्का सा ब्राउन शेड भी लिया मैंने, जिससे कि जो ब्लू है वो अच्छे से मिक्स हो जाए हमारे आई शेडो के साथ। और फिर से मैं थोड़ा सा ब्लू यहाँ पर डैप डैप करके लगा रही हूँ, जिससे कि वो और इंटेंसिफाई हो जाए हमारा ब्लू कलर, वरना वो थोड़ा सा ग्रे जैसा लगने लगता है थोड़े टाइम बाद। तो कुछ इस तरीके से हमारी ब्लू स्मोकी आई हमें करनी है। आफ्टर दैट आई एम कर्लिंग माई लैशेज, और उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्टली मस्कारा अप्लाई करेंगे। लैशेज आपको लगानी है नहीं लगानी आपकी मर्जी है, बट स्मोकी आईज में लैशेज काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो मैंने अपने आई लैशेज को अच्छे से कोट कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस मेबेलिन मस्कारा। लोअर लैश लाइन को भी आपको अच्छे से कोट करना है। देन आई एम यूजिंग दिस लॉरियल जेल आईलाइनर विद द हेल्प ऑफ दिस कलर बार ब्रश, जो कि मैंने अमेजोन से ही लिया था। इससे आईलाइनर अप्लाई करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैंने एक छोटा सा विंग बनाने की भी कोशिश की थी यहाँ पर, बहुत हल्का सा बनाया है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं। और इनर आई में मैंने थोड़ा मोटा कर लिया अपने आईलाइनर को, जिससे कि एक जो आईलैशेस लगाएं तो लुक अच्छा आए। उसके बाद मैंने आईलैशेस लगा लिए हैं, फिक्स कर दिए हैं अपनी आँख पर। मुझे इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है आईलैशेस लगाने में, बिकॉज आई एम नॉट दैट एक्सपर्ट, लेकिन फाइनली मैंने लगा ली जैसे तैसे करके। आईलैशेस मैंने भी थोड़े टाइम से लगाना शुरू किया, तो इट टेक्स टाइम। उसके बाद मैंने पूरे फेस को क्लीन करके यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लगा लिया है। आप जो फाउंडेशन चाहे यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लीन करके फाउंडेशन लगा रही हूँ, एंड उसको मुझे अच्छे से ब्लेंड करना है यहाँ पर, सो दैट आई कैन गेट लाइक अ ब्राइटर अंडर आई एरिया। और फोरहेड पे भी आप इसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। देन आई एम यूजिंग कंसीलर अंडर माय आईज टू ब्राइटन इट अप, और उसको क्लीन करने के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर लिया ऑन माय नोज एंड माय क्यूपिड्स बो और चिन पर भी, और उसे ब्लेंड कर लिया यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर। बाद में मैंने ब्रश यूज़ किया फॉर अ क्लीनर लुक, क्योंकि उससे ब्लेंडिंग ज़्यादा अच्छी होती है, स्पेशली अंडर आई एरिया में प्रिसाइज जो लाइन्स होती हैं वहाँ पर ब्रश ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो ये ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पर पाउडर अप्लाई कर लिया है सारे जो हमने बेस लगाया उसको सेट करने के लिए। तो आप अच्छे से पाउडर अप्लाई करेंगे, बिकॉज इट्स अ स्मोकी आई लुक, तो अच्छा बेस होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आईज डार्क हो गई और बेस अच्छा नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर एक ब्लश यूज़ कर रही हूँ पिंक कलर का फॉर फ्लश ऑन माई चीक्स। तो यहाँ पर मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिंक कलर यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर ब्रॉन्जर भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा लगेगा, बट आई लाइक पिंक, तो मैंने यहाँ पर पिंक ही लगाया है और उसे अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपनी नोज पे भी अप्लाई किया, हल्का सा अपने फोरहेड पे कॉन्टोर किया उसी से, और जॉ लाइन पे भी हल्का सा वही ब्लश लगाया मैंने। आई एम यूजिंग द स्विस ब्यूटी लिक्विड हाइलाइटर नोज पे भी, और मैंने अपने चीक बोन्स पर भी इसे अप्लाई किया है। काफी अच्छा लुक देता है हाइलाइटर अच्छे से लगाना है, क्योंकि आईज डार्क है यहाँ पर।
तो मैंने थोड़ा सा टाइम लिया ब्रश की हेल्प से, उसे अच्छे से अप्लाई कर लिया। इट गिव्स यू अ वेरी ब्यूटीफुल एंड नेचुरल ग्लो। और अपने आईब्रो के नीचे मैंने वही अप्लाई किया यूजिंग दिस 121 आई चूज फ्रॉम लॉरियल, एंड उसे मैंने अच्छे से अपने लिप्स पर अप्लाई किया। यहाँ पे आप डबल कोट भी लगा सकते हैं, बट आई रियली लाइक दिस लिपस्टिक क्योंकि ये न्यू डाइज के साथ बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करती है, आप कोई भी कलर पहनने अच्छे से चली जाती है उस आउटफिट के साथ। बाद में अपने बालों को कोम कर लिया है यहाँ पर, एंड एक सिंपल सा बन बना रही हूँ, बहुत ही डिसेंट सा। मैंने सिर्फ साइड पार्टिंग की है, स्लीक बन बनाएंगे तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे की तरफ मैंने बालों को कोम कर लिया है और अब पीछे ले जाके हम यहाँ पर चोटी बना के एक बन बनाने वाले हैं, बहुत सिंपल सा। ये हेयर एक्सेसरी यूज़ कर रही हूँ साइड में बन बनाने के बाद, एंड लुक सिंपल एंड डिसेंट। उसके बाद हम आउटफिट पहनेंगे। सो गाइज, हेयर स्टाइल इज डन, मेकअप इज डन और बिंदी भी हमने लगा ली है। फॉर आउटफिट आई एम प्लानिंग दिस ब्यूटिफुल ब्लाउज, कुछ ऐसा ब्लाउज है ब्लू कलर का एंड इसमें सिल्वर काम है, इसलिए हमने ब्लू स्मोकी आइज किया है एंड काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आई थिंक ये इस ब्लाउज को भी। इट हैज दीज काइंड ऑफ स्लीव्स, इसके जो स्लीव्स हैं वो मुझे थोड़े से रफ लगे। बाय द वे दिस इज फ्रॉम मीशो, एंड मतलब मैंने जो एक्सपेक्ट किया था पिक्चर में, ब्लाउज से थोड़ा सा डिफरेंट है बट मे बी पहनने के बाद शायद ठीक आए फिटिंग। बट ये बैक है एंड दिस इज द फ्रंट ब्लाउज, तो ये कुछ इस टाइप का है। मुझे लग रहा है कि ये मुझे शायद बड़ा आने वाला है, दिस इज फ्री साइज, नीड टू गेट इट ऑल्टर्ड, बट अभी देखते हैं जुगाड़ करके पहनूंगी। लेकिन द स्लीव्स आर रियली अनटाइडी, आप देख पा रहे होंगे धागे निकले हुए हैं, एंड ये बहुत अच्छा जॉर्जेट का कपड़ा नहीं लगा के दिया है, बहुत सफाई से नहीं की गई है, काफी मैसी है यहाँ पर, तो ये पार्ट मुझे अच्छा नहीं लगा इसका। इनफैक्ट इसमें जो पाइपिंग है वो भी काफी मोटी मोटी आप देख पा रहे होंगे। कपड़ा तो ये अच्छा था लेकिन इन्होंने ब्लाउज की स्टिचिंग अच्छे से नहीं की है। तो हियर कम्स दी साड़ी, साड़ी मुझे काफी खूबसूरत लगी। आई रियली लाइक दिस ब्लू कलर बिकॉज मेरे पास ऐसा कुछ था नहीं, आई वॉन्टेड दिस इज वेरी सॉफ्ट प्लीटेड साड़ी जैसे कि आजकल चल रही है। पिक्चर में अगर आपको देखेंगे थोड़ी सी मोटी प्लीट्स है, इसमें थोड़ी पतली आई है, बट दैट्स ओके, दैट्स फाइन। साड़ी की क्वालिटी अच्छी है, लाइट वेट है, काफी सुंदर लग रही है ब्लाउज के साथ, पहन के देखते हैं कैसी लगेगी। बट आई थिंक दिस काइंड ऑफ मेकअप विल गो विद दिस साड़ी। ऑल्सो गाइज, दिस वॉज लिटिल एक्सपेंसिव इफ आई मतलब मैं देखूं कि ब्लाउज मैंने कैसे एक्सपेक्ट किया, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ी सी एक्सपेंसिव लग रही है ये क्वालिटी। ऑल दो ठीक ठाक है, ब्लाउज इतनी अच्छा नहीं लगा मुझे। इसमें और भी कलर्स अवेलेबल हैं, इफ़ यू वांट यू कैन ट्राई दीज आउट, बस ब्लाउज में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, इसमें कुछ काम कराया जा सकता है। बट लेट्स सी पहनने के बाद कैसे लगती है, लेट्स ट्राई दिस। ट्राई की तो मैंने पीछे बैक में हुक कुछ उस तरीके से लगा लिया है ऊपर की तरफ करके, बट दिस इज अ फ्री साइज ब्लाउज तो वो आपको देखना पड़ेगा। बट पहनने के बाद साड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है। एक चीज़ मुझे साड़ी में लगी, वैसे तो इसके प्लीट्स अच्छे बन गए एंड काफ़ी सारे भी बन गए, बट स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि शायद लेंथ छोटी ना हो, बट लेंथ इसकी नॉर्मल है, ठीक ठाक है। और प्लीटेड साड़ी है तो उसकी प्लीट्स बनाना आसान हो जाता है आपके लिए। कपड़े की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा सी थ्रू जॉर्जेट वाला कपड़ा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ब्लाउज अच्छा लग रहा है पहनने के बाद, लेकिन एज एक्सपेक्टेड जैसा दिखा रखा था मतलब मीशो पे वैसा नहीं है। सो ब्लाउज मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट लगा, बट ओवरऑल ये कलर बहुत अच्छा लग रहा है, पूरे आईज के साथ ज्वेलरी के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। एंड इफ यू गाइस वांट, मैं इन कड़ों का और बैंगल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आई बॉट दिस फ्रॉम अमेज़न, दीज इयररिंग्स आर आल्सो फ्रॉम अमेज़न एंड दे आर वेरी प्रिटी। इनमें पीछे ना ही लटकन सी आती है लगाने की, जिसकी वजह से बहुत अच्छा लुक देते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव एडेड दीज, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड कर देते हैं स्टेटमेंट इयररिंग्स जैसे। एंड मैंने बालों को बिल्कुल स्लीक एंड सिंपल रखा और पीछे ये हेयर एक्सेसरी लगाई है जिसमें कि एक आध पर्ल का काम है जो कि ब्लू को अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आई बॉट इट अगेन फ्रॉम अमेज़न एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मेरे चैनल को शेयर कर देना मेरे फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू माय नेक्स्ट वन।